हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं एसेट टेलीकॉम, आपका चैनल। दोस्तों, हम बात करेंगे आज रजिस्टर्स की। मोबाइल रिपेयरिंग में जब भी हम काम करते हैं और रजिस्टर्स पर ज़्यादातर हम फंस जाते हैं कि भाई कितने ओम्स का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक तौर पर अगर हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक को नहीं समझेंगे तो हम एडवांस सर्किट को नहीं समझ पाएंगे। चलिए बात करते हैं डायरेक्टली। तो आज हम बात करेंगे कि अगर रजिस्टर को सीरीज़ में जोड़ा जाए तो उसकी क्या वैल्यूएशन निकलेगी, उस पर क्या करंट ईच आप देख सकते हैं को ईच जो करंट उस पर कैसा फ्लो करेगा, किस हिसाब से फ्लो करेगा, तो ये हम इसको समझने वाले हैं। और यही चीज़ को हम पैलर भी देखने वाले हैं। तो सीरीज़ और पैलर में हम समझने वाले हैं कि रजिस्टर की वैल्यू ऐड होती है कि घटती है कि बढ़ती है या जो भी है, और इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली एक मल्टीमीटर से भी चेक करके आपको दिखाएंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहना, छोटा सा एक वीडियो है जिससे आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि एक इक्वेशन हमने लिया है, एक टर्मिनल के 9 वोल्ट की टर्मिनल की बैटरी से हमने पास रजिस्टर हमने ज्वाइन किए हैं R1, R2, R3, R4 एंड R5, जिसमें R5 की वैल्यू है 10 ओम्स और बैटरी का वोल्टेज है 9 वोल्ट। फिलहाल पहला जो हमारा सवाल बनता है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका क्या आंसर है, तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, सीरीज़ में जब भी रजिस्टर लगाए जाते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। तो वो रजिस्टर्स हमेशा सरप्लस में रहते हैं, हमेशा ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल, तो हमारा जो इक्वेशन बनता है वो बनता है Rx मतलब टोटल नंबर्स ऑफ रजिस्टर्स इक्वल R1 + R2 + R3 R4 R5, मतलब सारे रजिस्टर को हम टोटल करेंगे। सो टोटल रजिस्टर का जो हमारा जो एक आखिरी में हमारी वैल्यू निकलेगी, वो अगर हम सबको जोड़ें तो वो निकलती है 90 ओम्स। मतलब इस सर्किट की अगर टोटल रजिस्टेंस की बात की जाए तो वो है 90 ओम्स। ठीक है, सो हमेशा ध्यान रखना, अगर एक रजिस्टर के साथ एक रजिस्टर सीरीज़ में लगा है और वो रजिस्टर 1 ओम्स का है और दूसरा रजिस्टर 2 ओम्स का है, तो टोटल रजिस्टेंस जो सर्किट का 3 ओम्स हो जाएगा, बराबर। पर वो स्टार्ट टू एंड से होगा दोस्तों, बीच में जब भी हम उसको चेक करेंगे तो बकायदा उसमें 1 ओम्स या उसके दोनों के बीच साइड से हम उसको मतलब स्टार्ट टू पॉइंट टू पॉइंट अगर हम चेक करेंगे तो वो अपने ही ओम्स को ही बताएगा। बट अगर हम पॉइंट स्टार्ट से एंड तक जाएंगे तो हमें रजिस्टेंस तो हमें रजिस्टर का टोटल जो सरप्लस है वो देखने को मिलेगा। दूसरा सवाल ये बनता है, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो इसका भी हम अगर आंसर देना चाहें तो इसमें भी आपको एक छोटा सा आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा रजिस्टर्ड आपको करंट निकालने का। तो करंट निकालने का फॉर्मूला जो होता है, तो जो द करंट थ्रू द सर्किट इज़ द सेम, मतलब हर रजिस्टर मतलब जो करंट होने वाला है वो इक्वली सेम होने वाला है हर रजिस्टर के लिए। एंड इन अ सीरीज सर्किट एंड इक्वल टू अप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब फॉर्मूला ये है कि हमें एम्पियर इक्वल वोल्टेज अपॉन रजिस्टर, जो कि हमें पता है ओम्स लॉ का हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो एम्पियर अगर हमें जानना है इसका कि इसमें क्या एम्पियर इसमें बन रहा है, तो टोटल वोल्टेज है 9 और टोटल रजिस्टेंस जो बन रहा है वो है 90। सो 9/90 करेंगे तो ये होगा 0.1, मतलब हर रजिस्टर के अक्रॉस 0.1 एम्पियर यहाँ पर बन रहा है। सो ये हम प्रैक्टिकली इसको चेक करते हैं कि रजिस्टर को अगर हम ज्वाइन करेंगे सो क्या हमें उसकी सरप्लस वैल्यू देखने को मिलेगी या हमारे को कुछ और ही वैल्यू मिलती है। इसको आप वीडियो के एंड में जरूर देखना। अगर मैं पैलर की बात करूँ तो पैलर में आप देख सकते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन रजिस्टर इज इन पैलर, व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैलर मोर करंट फ्लो फ्रॉम द सोर्स दैन वुड फ्लो फॉर एनी ऑफ डैम इंडिविजुअली, सो द टोटल रजिस्टेंस इज लोअर। मतलब जब भी हम रजिस्टर को पैरेलल लगाते हैं तो रजिस्टेंस जो होता है वो घटता है, जब हम रजिस्टर को सीरीज में लगाते हैं तो रजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता है। फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 2, 6 और 3 ये हमने रजिस्टर पैरेलल में लगाए गए हैं, जिसका एक सिरा आप देख सकते हैं पूरा कनेक्टेड है, दूसरा सिरा भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके सीरीज रजिस्टर में आपको देखने को मिलेगा कि अगर एक रजिस्टर भी डैमेज हुआ तो सर्किट ही बंद हो जाएगा, पर पैरेलल रजिस्टर में अगर एक रजिस्टर आपका हटा तो तब भी आपका सर्किट वर्क करेगा। सो आप ये फॉर्मूला को अकॉर्डिंग आप अपना वैल्यू को निकाल सकते हैं, पर आपकी वैल्यू हमेशा घटेगी। सो टोटल यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होता है वो पैरेलल में घटता है और सीरीज में रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता है। हम इसको किस तरीके से मल्टीमीटर से समझ सकते हैं, आइए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज इन्वर्सली
प्रोपोर्शनल टू द एरिया, मतलब रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है एम्पियर के, कि रेजिस्टेंस अगर कम हुआ तो एम्पियर बढ़ेगा, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि रेजिस्टेंस अगर कम हुआ तो एम्पियर बढ़ेगा और एम्पियर अगर कम होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है, ठीक है। हैंस व्हेन द रेजिस्टर आर इन पैरेलल द एरिया इंक्रीज, द एरिया इंक्रीज मतलब करंट आपका बढ़ेगा एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज, रेजिस्टेंस कम होगा। एक टेस्टिंग करते हैं मल्टीमीटर से कि किस तरीके से हम रेजिस्टर को सीरीज में लगाएं तो क्या वैल्यू निकल सकती है और रेजिस्टर को पैरेलल लगाएं तो क्या वैल्यू निकल सकती है। तो आप यहां देख सकते हैं कि हमने मल्टीमीटर को यहां पर ओम्स मोड में लगा के रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक रजिस्टर की वैल्यू आपको चेक करके बताता हूँ। ये देखो, ये मैंने एक रजिस्टर यूज़ किया हुआ है। अगर मैं इसकी वैल्यू आपको बताऊँ, ये सिंपल एक रजिस्टर है, तो आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं कि ये हमें, ये इसकी वैल्यू यहाँ लगाने पर आ रही है 0.8 किलो, ठीक है। 0.8 किलो मतलब 1 किलो के नीचे है, और अगर ये टोलरेंस की बात करें तो 20% जो टोलरेंस होता है उसके हिसाब से ये 1 किलो ओम्स का हो सकता है, ठीक है। सो हम इसको 0.8 ही मानते हैं फिलहाल। अब हम अगर इसको सीरीज में लगाएं तो आप नोटिस करो, तो आप देखोगे तो हमने एक रजिस्टर को यहाँ पे सीरीज में लिया है, तो हमने इसका एक सिरा यहाँ लगाया है और इसका दूसरा सिरा यहाँ लगाएंगे, तो क्या होने वाला है 0.8 प्लस 0.8, क्योंकि दोनों रजिस्टर सेम है, तो ये हो जाएगा 1.6 होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रजिस्टर सीरीज में ऐड होता है, ठीक है। तो आप नोटिस करना, तो जैसे हम इसको लगाएंगे तो नोटिस करो, ये हो गया 1.6, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि रजिस्टर होता है सीरीज में ऐड। अब यही चीज़ अगर हम रजिस्टर को पैरेलल में लगाएंगे तो नोटिस करो, हमने पैरेलल में कैसे लगाया है, तो हमने पहले लगाया इस तरीके से, तो रजिस्टर के दोनों सिरे आप देख सकते हैं अपने अलग अलग सिरे के साथ में कनेक्टेड हैं, तो इसके दो सिरे निकल गए हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से रखते हैं। सो अब एक रजिस्टर अगर यहाँ पर 0.8 का है, दूसरा 0.8 का है, तो ये टोटल जो 1.6 होता था अभी 0.8 का भी हाफ हो जाएगा, जैसे अगर 10 और 10 का होता तो 5 हो जाता है, वैसे ये 0.4 हो जाना चाहिए। सो आइए चेक करते हैं कि 0.4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही कीजिएगा, बट फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं देखो कनेक्ट करूँगा एक सिरा और दूसरे सिरे के साथ यहाँ पर, और जैसे मैं इसको टच करूँगा तो देखो 0.4, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर भी दिखाना चाहूँगा, ठीक है, मैंने यहाँ लगाया और देखिए कितना आ रहा है 0.4। तो ये क्यों? क्योंकि ये पैरेलल रजिस्टर मैंने चेक किया, और जब भी हम पैरेलल रजिस्टर लगाते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और जब भी हम सीरीज़ में रजिस्टर लगाते हैं तो हमारा जो रजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये देखिए, तो एक सिरा यहाँ लगाया और एक सिरा यहाँ लगाया, तो देखिए क्योंकि ये 0.8 का था तो ये डिक्रीज़ हो जाए और ये 0.4 बन गया। तो मैं आपको फिर से एक बार मल्टीमीटर दिखा देता हूँ, ये देखिए 0.4 बन गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर रजिस्टर सीरीज पैरेलल लगाया था। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सीरीज और पैरेलल में रजिस्टर किस तरीके से बेसिकली वैल्यू दिखाते हैं। थैंक यू।